कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉजिक गेट, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब लॉजिक गेट कितने टाइप्स का होता है, उनका डायग्राम, ट्रूथ टेबल, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट क्या है ये देख लेते हैं। लॉजिक गेट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट्स, ठीक है, बट आउटपुट विल बी वन। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। हम इससे एक या एक से ज़्यादा इनपुट पास कर सकते हैं और आउटपुट इसका हमेशा वन ही रहेगा, ठीक है, आउटपुट फिक्स है। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। डायोड और ट्रांजिस्टर से बना होता है लॉजिक गेट। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अ लॉजिक गेट इज़ यूज टू अलाउ एंड डिनाइड अ डिजिटल सिग्नल। किसी भी डिवाइस में डिजिटल सिग्नल अगर आपको पास करना है तो आपको लॉजिक गेट यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक गेट के थ्रू ही हम डिजिटल सिग्नल को पास कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल पास हो रहा है उसको स्टॉप करना है तभी भी आप लॉजिक गेट की मदद से ही उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हमारे घर में किसी को एंट्री करना होगा तो हमारे घर के गेट से ही वो एंट्री करेगा। तो अगर गेट बंद रहेगा तो एंट्री नहीं होगा, गेट खुला रहेगा तो एंट्री होगा। तो सेम डिजिटल डिवाइसेस के लिए लॉजिक गेट भी उसी तरह से काम करता है। अभी यहाँ पे देखो टाइप्स कितने टाइप्स का होता है लॉजिक गेट। सबसे पहला होता है एंड गेट, फिर ओर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट, एक्स नोर गेट और नोर गेट। तो ये स्टार्टिंग का तीन बहुत ही सिंपल गेट होता है और ये दो गेट के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहेंगे, ठीक है। तो अभी चलो हम आपको इन सभी को डिटेल्स में पढ़ाते हैं और इनका ट्रूथ टेबल, डायग्राम, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। इन एंड गेट हुज आउटपुट इज़ हाई, दैट इज़ वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। अगर दोनों इनपुट वैल्यू वन होगा तभी आपका आउटपुट वन होगा यानी हाई रहेगा। लेकिन अगर एक भी इनपुट आपका जीरो हुआ एंड गेट के केस में तो आपका आउटपुट भी जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन देख लो कैसा होता है। इक्वेशन में बीच में डॉट आपको मिलेगा, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो अगर y मान लो हमारा आउटपुट है तो y इक्वल टू a डॉट b, तो यहाँ पे a और b दो इनपुट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा, आपको सर्किट डायग्राम देखना है। ये है एंड गेट का सर्किट डायग्राम, ठीक है, दो इनपुट हो गया a और b, उसके बाद ये एंड गेट का यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद ये आउटपुट निकला y में, ए डॉट बी का आउटपुट वाई में स्टोर हुआ। इसी का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, दो इनपुट का, ठीक है, दो इनपुट ए बी हमारा हो गया दो इनपुट, इसको भी भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0011 से स्टार्ट करना है पहला वाला इनपुट और सेकंड वाला इनपुट 0101 आपको लिखना है, ये कॉमन है दो इनपुट वाले केस में। उसके बाद अगर एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट आपका जीरो ही रहेगा। देखो यहाँ पे जीरो है, वन है तो ये भी जीरो, यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो। लेकिन अगर दोनों इनपुट वन हुआ तब जाके आपका आउटपुट भी वन आएगा। तो अगर एंड गेट में इस तरह का इनपुट वैल्यू आप दो वेरिएबल वाला पास करेंगे तो आउटपुट आपको एंड गेट में यही मिलेगा। तो ये हो गया दो वेरिएबल ए और बी का कहानी, ठीक है। अभी थर्ड वेरिएबल का भी होता है, तीन वेरिएबल में भी आप काम कर सकते हैं एंड गेट के साथ। जब हमारा तीन इनपुट रहेगा तो इक्वेशन बनेगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे देखिए तीन इनपुट है तो यहाँ पे तीन बार हमें इनपुट लेना पड़ेगा। अदेन हमारा गेट कौन सा है, एंड गेट है, तो यहाँ पर हमें एंड गेट का डायग्राम बनाना होगा और आउटपुट एक होगा। पहला इनपुट, सेकेंड इनपुट, थर्ड इनपुट, इसका आउटपुट होगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट कितना है, तीन इनपुट है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 होगा। देन यहाँ पे तीन इनपुट है तो ट्रूथ टेबल हम जब बनाएंगे तो तीन कॉलम हमें बनाना होगा, ए बी सी, ठीक है, तीन कॉलम हमने बना लिया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा क्या कॉलम बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 है, तीन इनपुट है, 2 की पावर 3 यानी 8, मतलब हर एक कॉलम में हमें 8 इनपुट देने हैं। तो पहले कॉलम का रूल है 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, ठीक है। सेकंड का रूल है 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 एंड थर्ड का है 0101, 0101, 0101
और हमें आउटपुट क्या चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी में वाई में हमने स्टोर किया था एक और कॉलम, आउटपुट वाला कॉलम यहाँ पे मैंने बना लिया। अब एंड गेट का कंडीशन क्या होता है, एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, तो पहला में तीनों फॉल्स है, देन यहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन है, इसमें भी है फॉल्स कंडीशन, एक फॉल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन है, यहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन है और इसमें भी फॉल्स है, यानी ऑलमोस्ट ऊपर से लेके सात नंबर तक फॉल्स ही कंडीशन है। लास्ट वाला सिर्फ आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू है तीनों कंडीशन, तो आउटपुट भी ट्रू होगा। ये मैंने ट्रूथ टेबल अपने से यूँ ही नहीं बना दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन इनपुट था इसलिए तीन इनपुट का ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पे हमें एंड गेट का आउटपुट चाहिए था इसीलिए इन तीनों इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आया है, इन तीनों इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आया है। और एक बात नोटिस करने वाला हुआ कि एग्ज़ाम में कभी कभी सिर्फ आपको ये सर्किट डायग्राम दे देगा, सर्किट डायग्राम दे देगा, बोलेगा इसका इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन आपको ये बनाना है और बोल इस सर्किट डायग्राम को देख के ही आपको बोलेगा कि ट्रूथ टेबल बनाओ, तो आपको सर्किट डायग्राम में ये देखना है कि यहाँ पे इनपुट कितने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे दो इनपुट रहेगा तो ये वाला ट्रूथ टेबल आपको बनाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर यहाँ पे तीन इनपुट रहेगा तो आपको ये वाला ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सर्किट डायग्राम के इनपुट पे ही डिपेंड करेगा हमारा ट्रूथ टेबल कितना बनेगा, यानी कितना लंबा बनेगा, 2^3 8 बनेगा, तीन वेरिएबल रहेगा तब और दो वेरिएबल रहेगा तो ये वाला ट्रूथ टेबल बनेगा। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट गेट की ओर ले चलते हैं, और गेट की ओर। अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में कि इसमें क्या लॉजिक परफॉर्म होता है, जो कि टाइप नंबर 2 है हमारा लॉजिक गेट का। दिस गेट हैज़ 2 or more इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट रहेगा, आउटपुट 1 ही रहेगा। इफ़ अ सिंगल इनपुट 1 दैट इज़ हाई, अगर आपका इनपुट 1 रहेगा तो आउट मतलब हाई रहेगा तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, 1 ही आएगा, यानी हाई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, बीच में प्लस रहेगा, ठीक है। मान के चलिए हम दो वेरिएबल का बात कर रहे हैं, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी, ए प्लस बी हम लिखे हैं, मतलब और गेट का बात कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्लस है, वाई में इसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखो इस तरीके का है, ए बी इनपुट होगा, दो इनपुट हो गया, तीन भी हो सकता है, उसके बाद ये हो गया अपना और गेट का लॉजिक परफॉर्म होगा यहाँ पे, उसके बाद आउटपुट आएगा ए प्लस बी के फॉर्म में जिसको वाई में स्टोर कर रहे हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, दो वेरिएबल है ना, 2^2 यानी कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे देखो 4 आया, मतलब पहले वाला इनपुट में 0011, दूसरे वाले में 0101। अब ये अपना रिजल्ट वाला कॉलम है, यहीं पे आपका लॉजिक परफॉर्म होता है, तो अगर एक भी 0 हुआ तो यहाँ पे देखो 0 है, लेकिन अगर एक भी आपका इनपुट 1 हुआ तो आपका आउटपुट 1 आएगा, देखो 0 1 है, अगर यहाँ 1 है तो 1, यहाँ पे देखो 1 है तो 1, दोनों 1 है फिर भी 1, तो ये हो गया हमारा लॉजिक और गेट का सिंपल सा दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल। अभी तीन वेरिएबल का चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं, तीन वेरिएबल का कैसे बनाएंगे। जब हम तीन वेरिएबल इनपुट पे लेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा y = a + b + c। देन अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास तीन वेरिएबल इस बार हो गए हैं, यानी तीन इनपुट हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से तीन बार इनपुट हमें देना पड़ेगा। हमने तीन इनपुट दे दिया, देन और गेट का जो डिज़ाइन होता है, सिंबल होता है, वो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो ये पहला इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, देन यहाँ पे a + b + c, आप इसे y में स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो 1 2 3 तीन इनपुट है a b c, देन रिज़ल्ट किस में आया है, y में आया, तो हम डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं अलग अलग, देन यहाँ पे तीन इनपुट है a b c, तीन इनपुट यानी 2^3 टोटल 8, तो 8 इनपुट जाएगा तीनों में, तीनों कॉलम में हमें 8 इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो पहले वाले में हमें 8 इनपुट लेना है तो 4 0 लेंगे, देन 4 1, 4 0 लेना है और 4 1 लेना है पहले वाले में। सेकंड वाले में क्या करना है, 2 0 लेना है, 2 1, फिर 2 0 लेना है, देन 2 1, और थर्ड वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1। ये मैंने एंड गेट में भी सेम इनपुट लिया था, इनपुट आपको सेम ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आएगा अब यहाँ पे आएगा। हमारा और गेट क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू होगा, यहाँ पे देखिए तीनों 0 है,
जीरो, यहाँ पे देखिए एक ट्रू हो गया वन, यहाँ पे भी ये ट्रू है वन, यहाँ पे भी ये ट्रू है वन 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 एंड फाइनली वन। देखिए यहाँ पे हर एक किसी न किसी कॉलम में एक ट्रू मिला है हमें, इसीलिए रिजल्ट भी ट्रू में ही आया है। सिर्फ पहला वाला कॉलम में वैल्यू तीनों इनपुट का जीरो था, इसीलिए जीरो आया है। तो ये था हमारा तीन इनपुट वाला ट्रूथ टेबल और गेट का। अब चलिए हम आपको पढ़ाते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? दिस इज़ एन इन्वर्टिंग गेट, इसको इन्वर्टिंग गेट भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर। ऐसा इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्टर क्योंकि ये क्या करता है, आउटपुट को रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर देता है। आपको याद क्या रखना है इसको पढ़ने से पहले, इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट वन टू लो एंड जीरो इनपुट को वन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वाइस वर्सा करता है। अगर इनपुट वन रहेगा तो जीरो में चेंज करेगा, जीरो रहेगा तो वन में चेंज कर देगा। इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इसमें एक ही इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज़ अपोजिट ऑफ इनपुट, इसका जो आउटपुट होगा ना इनपुट का बिल्कुल उल्टा होगा, है ना। यहाँ पे देखो इक्वेशन देखो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे डैश लगा रहेगा, इनपुट के ऊपर डैश लगा रहेगा, सिंगल इनपुट देखो, इसीलिए एक ही वेरिएबल ए है। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल बना देना इस तरीके से और यहाँ पे एक जीरो लगा देना, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, इनपुट का उल्टा आउटपुट। ट्रूथ टेबल यहाँ पे देख लो, एक ही इनपुट है यानी टू की पावर वन, मतलब टू ही आएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन लिख दो, अगर जीरो है तो आउटपुट वन होगा, अगर वन है तो आउटपुट ज़ीरो होगा। लॉजिक गेट में आपको याद क्या रखना है, जो भी इनपुट होता है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, आउटपुट भी बाइनरी के फॉर्म में ही आता है, यानी इनपुट आउटपुट हम जीरो वन के फॉर्म में ही लेते हैं लॉजिक गेट के केस में। और आपका गेट पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा, एंड गेट में कुछ और आता है, और में कुछ और, नॉट में कुछ और, ठीक है, इसीलिए अलग अलग टाइप के गेट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर फोर यानी नैंड गेट के बारे में। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट हम उसी गेट को बोलेंगे जो दो या दो से ज़्यादा गेट का कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे यहाँ पे नैंड गेट की अगर हम बात करें तो ये नोट और एंड गेट को मिला के बना हुआ है नैंड गेट, यानी ये हो गया यूनिवर्सल गेट। इसका देखो इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख लो ये रहा, एंड गेट का ही सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पे नोट का कॉम्बिनेशन भी है इसीलिए जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और जो भी इनपुट होगा ना एंड गेट का, नैंड गेट में बिल्कुल अपोजिट आउटपुट आएगा उसका, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। ट्रूथ टेबल यहाँ पे देख लो, अगर टू टाइम ज़ीरो हुआ तो वन आएगा, एक टाइम भी अगर वन हुआ तो वन रहेगा, एक टाइम भी वन रहेगा तो वन रहेगा, अगर टू टाइम्स वन मिल गया तो जीरो, ठीक है, क्योंकि नोट है तो रिवर्स होता है। तो एंड गेट में बिल्कुल उल्टा आउटपुट आया था जबकि नैंड गेट में एंड गेट का बिल्कुल अपोजिट आया है। जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको ना समझ में आया हो, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है आपको यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। एंड गेट का आउटपुट होता है जीरो 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 वन, ठीक है, तो ये एंड गेट का आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं, यानी इसी को रिवर्स कर दो, बार लगा हुआ है मतलब इसको उल्टा कर दो, जीरो है तो वन कर दो, वन कर दो, और वन है तो जीरो कर दो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नैंड गेट, ठीक है। अब चलिए हम अपना अगला गेट की ओर मूव करते हैं, नोर गेट। यहाँ पे देखो नोट और ओर गेट का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है नोर गेट, यानी यहाँ पे बार लगा रहेगा ए प्लस बी के ऊपर। ओर गेट का जो भी आउटपुट है ना जस्ट उसका अपोजिट आउटपुट रहेगा नोर गेट का। सर्किट डायग्राम देखो, ओर गेट वाला सर्किट डायग्राम ही है, बस यहाँ पे नोट का कॉम्बिनेशन से बना है नोर, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, और आउटपुट रिवर्स रहेगा ओर गेट का। ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखो, टू टाइम्स जीरो, टू टाइम्स वन इनपुट, जीरो वन जीरो वन, ये इनपुट कॉमन है, सब में सेम रहेगा, लेकिन अगर टू टाइम्स जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, अगर एक टाइम भी जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ओर गेट का आउटपुट आपको यहाँ पे बताएं तो क्या था ओर गेट का आउटपुट, ओर गेट का आउटपुट था कि अगर एक भी आपको वन मिला तो वो वन रहेगा, ठीक है, ये ओर गेट का आउटपुट था। लेकिन इसी ओर गेट का आउटपुट को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो नोर गेट का आउटपुट बन गया, जीरो को वन कर दो और वन को जीरो कर दो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी, नोर गेट भी यूनिवर्सल गेट है क्योंकि ये भी दो गेट का कॉम्बिनेशन से बना है। टाइप नंबर सिक्स से हमारा एक्सक्लूसिव ओर गेट यानी एक्सोर गेट। इसका जो इक्वेशन होता है नॉर्मल ओर गेट का ही इक्वेशन होता है, बस ये जो प्लस होता है वो मार्क किया हुआ रहता है, ये मार्क किया हुआ ही इंडिकेट करता है कि ये एक्सोर गेट है।
इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, नॉर्मल दो इनपुट आपको लेना है और यहाँ पे एक गैप देना है, एक गैप ही दिखाता है कि ये एक्सोर गेट है, देन आउटपुट आएगा। सेम टू सेम सिमिलर और गेट का ही सर्किट डायग्राम है, लेकिन बीच में गैप होगा। ट्रूथ टेबल क्या होगा, यहाँ पे दो इनपुट है तो हमने ए बी बनाया है, और दो इनपुट वाले में होता है 00 11 01 01 01, ये हर एक में होता है, मैंने आपको बताया है। अब एक्सोर गेट का खासियत क्या है, अगर इनपुट सेम हुआ तो आउटपुट जीरो हुआ। यहाँ पे देखिए 00 सेम हुआ तो 01 सेम हुआ तो 0, बाकी अगर अलग अलग इनपुट हुआ तो वो 1 मार्क किया जाएगा। तो ये हुआ एक्सोर गेट का आउटपुट। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट गेट की ओर ले चलते हैं। टाइप नंबर 7 है हमारा एक्सक्लूसिव नोर गेट, इसको आप शॉर्टकट में कहेंगे एक्स नोर गेट। इसका जो इक्वेशन होता है ए प्लस बी ऊपर में बार और देन प्लस को मार्क किया गया है सर्कल से। यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे और गेट भी आ रहा है, और ये एक्स जो है एक्सक्लूसिव के चलते यहाँ पे प्लस को मार्क किया गया है, और यहाँ पे नोट गेट भी कंबाइन किया गया है इसीलिए ऊपर में बार भी है। अब अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें तो नॉर्मल जो और गेट का डायग्राम होता है वही है, बीच में यहाँ पे जो गैप है ये इंडिकेट करता है कि ये एक्सक्लूसिव कोई गेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच में सर्कल है लास्ट में आउटपुट वाले तरफ, ये इंडिकेट करता है कि ये नोट भी इसमें कंबाइंड है, कहीं ना कहीं नोट गेट भी इसमें है। तो अगर हम इनपुट लेंगे तो आउटपुट मुझे इस इक्वेशन में मिलेगा। अब यहाँ पर इनपुट कितना है, दो इनपुट है, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखिए मैंने ए और बी बना लिया है, और दो इनपुट वाला है यानी फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, जैसा कि शुरू से हमने आपको बताते हुए आया है ट्रूथ टेबल में, देन सेकंड वाले में 0 1 0 1। अब इसका आउटपुट देखिए, अगर सिमिलर हुआ, इनपुट सिमिलर हुआ तो आउटपुट 1 होगा, यहाँ पे भी देखिए सिमिलर हुआ तो आउटपुट 1 होगा, और अगर अलग अलग इनपुट हुआ तो आउटपुट 0 होगा। ये हुआ हमारा एक्सक्लूसिव नोर गेट। इस वीडियो में हमने आपको बेसिक गेट के बारे में बताया, उसका इक्वेशन डायग्राम और ट्रूथ टेबल। आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे ए प्लस बी सी, देन यहाँ पे फिर प्लस ए डॉट बी डॉट सी, इस इक्वेशन मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे और सर्किट डायग्राम भी इसका हम बनाएंगे। आने वाले लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही,